नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे मणिपुर से। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 6 जवान घायल हैं। घटना बुधवार रात तकरीबन 1:15 बजे राजधानी इम्फाल के करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर चंदेल जिले में घटी, जहां पहाड़ी इलाका है और भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए। जवानों पर घात लगाकर उग्रवादियों ने हमला बोला था। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं जिन्हें इम्फाल पश्चिम जिले के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों का कहना है कि मणिपुर के स्थानीय उग्रवादी समूह पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमले को अंजाम दिया। सेना की ओर से उग्रवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई। पिछले साल नवंबर में ही चंदेल जिले से, जहां असम राइफल के कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया था और उग्रवादियों ने सैन्य कैंप में बम भी फेंके थे, इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी। इसके बाद उग्रवादी नजदीक की पहाड़ी में भाग गए थे और इस हमले में सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ था। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता का शव बरामद हुआ है। इससे पहले उत्तरी दिनाजपुर जिले में भी बीजेपी के एक विधायक का शव फंदे पर लटकता हुआ पाया गया था। मृतक बीजेपी नेता का नाम पूर्णचंद्र दास है। दास का शव कोछरी गांव में एक पेड़ पर लटकता हुआ बरामद हुआ। दास कोछरी गांव में ही रहते थे। ये गांव रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। दास बीजेपी के स्थानीय बूथ के प्रभारी थे। दास के परिजनों ने उनकी मौत को सियासी हत्या करार दिया। परिजनों का कहना है कि दास को पहले घर से बाहर बुलाया गया, बाद में पड़ोसियों ने उनके शव को पेड़ से झूलता हुआ पाया। स्थानीय कांठी पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दास की हत्या की गई है और इसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि दास अपने इलाके में बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। स्थानीय बीजेपी नेता अनूप चक्रवर्ती ने कहा है कि दास हमारे इलाके में बूथ प्रभारी थे। टीएमसी के गुंडों ने ही उनकी हत्या की और पेड़ पर उनका शव लटका दिया। सुबह टीएमसी के नेताओं ने उन्हें बाहर बुलाया था और बाद में उनका शव बरामद हुआ। हम इस मामले की उचित जांच की मांग करते हैं। टीएमसी के रामनगर विधायक अखिल गिरी ने बीजेपी के इस आरोप को गलत बताया। गिरी ने दास की मौत के पीछे पारिवारिक रंजिश को जिम्मेदार बताया है। इस महीने की शुरुआत में ही उत्तरी दिनाजपुर में हेमटाबाद में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव उनके घर के पास ही बरामद हुआ था। रॉय का शव एक मोबाइल की दुकान के सामने फंदे पर लटकता हुआ पाया गया था। बीजेपी ने इसे हत्या करार दिया, जबकि बंगाल पुलिस का कहना था कि मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया गया। बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की, जहां इस भूमि पूजन से पहले ही कोरोना के मामले वहां बढ़ते दिख रहे हैं। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास के अलावा अब 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे, तो वहीं ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा, लेकिन उससे पहले बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता में डालने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन के लिए अयोध्या का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इसके अलावा आतंकी हमले के मिले इनपुट के मद्देनजर भी अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन समारोह को अब कुछ ही दिन बचे हैं और यहाँ तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन ऐसे में अब राम मंदिर भूमि पूजन से पहले कोरोना का ये अटैक लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइन का एहतियात बरता जाएगा और इसी के अनुरूप कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और अन्य अतिथियों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला लिया है। दिल्ली में डीजल पर 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दामों में 8.36 रुपए तक की कमी की जाएगी, यानी 8.36 रुपए की ये कमी आएगी। और दिल्ली सीएम ने कहा है कि दिल्ली में अभी 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है, अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए तक कम होंगे। डीजल अब 73.64 रुपए में मिलेगा। गुरुवार को जहां आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, कैबिनेट ने राज्य में
राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फैसला लिया है। दिल्ली में अब लोग काम पर लौट रहे हैं, माहौल सुधर रहा है और कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान किया गया कि लगातार कारोबारियों और फैक्ट्री वालों की तरफ से उनसे इस बात की अपील की गई थी। ऐसे में अब सरकार की ओर से ये राहत दी जा रही है ताकि दिल्ली में कामकाज शुरू हो सके। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच देश में कई दिनों तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इस बीच दिल्ली में डीजल में पहली बार 80 रुपए का आंकड़ा भी पार करता देखा गया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि केंद्र की ओर से कहा गया था कि दिल्ली में वैट काफी ज्यादा है, इसलिए दाम ज्यादा लग रहे हैं। इस बीच अब राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, जो कि दिल्ली वालों के लिए एक राहत बन सकता है। वहीं देश में जारी कोरोना वायरस के संकट और राजनीतिक हालात के मसले पर आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जहां कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें सोनिया गांधी ने अलग अलग राज्यों से चुने गए राज्यसभा सांसदों से चर्चा की। कोरोना वायरस संकट, राजनीतिक माहौल को लेकर यहां मंथन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सांसदों को संबोधित किया। आपको बता दें कि हाल ही में कई राज्यों के राज्यसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और कई नए सांसदों ने शपथ भी ली है। कांग्रेस की ओर से भी कई नए सांसद राज्यसभा पहुंचे हैं, जिनसे इस बैठक में चर्चा की गई है। और इसके अलावा राजस्थान में लगातार कांग्रेस की सरकार में जहां उथल पुथल मची हुई है, करीब एक महीने से सरकार पर संकट है। सोनिया गांधी ने जहां इस बैठक को इसलिए भी अहम माना है, सोनिया गांधी की इस बैठक को, क्योंकि जल्द ही बतौर कार्यकारी अध्यक्ष उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। 10 अगस्त को कार्यकाल खत्म होना है और उससे पहले कांग्रेस को चुनाव आयोग को अपने नए अध्यक्ष का नाम भी बताना है। ऐसे में हर किसी की नजरें इसी बात पर हैं कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालेंगे। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन यानी राज्यसभा में बहुमत की ओर बढ़ रही है। हालांकि एनडीए और कुछ शत्रुत्व के सहयोग से मोदी सरकार अभी भी आसानी से कोई कानून पास नहीं करा सकते। हाल ही में कई राज्यों के राज्यसभा चुनाव भी खत्म हुए हैं, नए सांसदों ने शपथ ली है और कांग्रेस की ओर से भी कई सांसद राज्यसभा पहुंचे हैं, इसलिए इस बैठक में उनसे खास तौर पर चर्चा की गई। और साथ ही राजस्थान में चल रही कांग्रेस की उथल पुथल पर भी यहां संक्षेप में चर्चा की गई है। तो कोरोना संकट और राजनीतिक हालात पर कांग्रेस की ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, जहां 10 अगस्त को कार्यकाल भी सोनिया गांधी का खत्म हो रहा है। ऐसे में अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।